देखो आज सुबह से तगड़ी बारिश हो रही है। ये नाला है आज पूरा उफान पे है, पूरा फुल हो गया है। वहां से देखो कितना तेज पानी आ रहा है स्पीड में। यार सबसे पहले उन तरीकों की बात कर ले कि आप कैसे कौन कौन से तरीके हैं जो कि जापान में जॉब सर्च किया जा सकता है। तो यार देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको जॉब करनी है ना जापान में ही नहीं दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको जॉब करनी है ना तो सबसे पहले ना आपकी अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए, मतलब तैयारी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको किस लाइन पे जाना है, कैसी जॉब करनी है। देखो जैसे बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि जापान में आईटी का क्या स्कोप है, फाइनेंस का क्या स्कोप है, बहुत लोग पूछते हैं। दुनिया में सभी जगह सभी प्रोफेशन होते हैं ना, जो सभी के स्कोप होते हैं, बट उसको पढ़ाई किया हुआ एक अलग होता है और आपकी तैयारी जो होती है वो अलग होती है। अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो सिर्फ एक फील्ड आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको उसमें कोई क्वेश्चनिंग ना कर सके। तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, और मतलब कि दुनिया के वो सभी लोग सक्सेसफुल हैं जो कि एक चीज पे अपनी जो नीच होता है वो एक चीज को स्ट्रॉन्ग किया और उसी में काम किया। हाँ लेकिन एक ये बात होती है कि यार किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ यूट्यूब में, तो अभी लगे हैं कोई बात नहीं, बट क्या होता है ना कि हर सितारे का एक टाइम होता है जो कि अपने टाइम पे ही चमकता है। जॉब सर्च करने का जो सबसे आसान तरीका है ना वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पर वीडियो को स्किप मत करना। वो इसलिए कि जो मैं पहले ट्रिक बताने वाला हूँ अगर वो ट्रिक्स आपने नहीं अच्छे से वीडियो देखी तो आपको वो लास्ट वाली ट्रिक भी पता नहीं लगेगी। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो यार देखो अगर जापान में अगर आपको जॉब करनी है ना तो आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलती। और जैसे अगर आपने इंडिया में प्लस टू किया है और फिर यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे जैसे आप जैपनीज लैंग्वेज स्कूल पास आउट होते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे वोकेशनल कॉलेज होते हैं या यूनिवर्सिटी होती है वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। 2 ईयर का होता है, यूनिवर्सिटी होती है 4 ईयर की। अब देखो बहुत से लोग मुझे पूछते होते हैं कि जिन्होंने इंडिया में 2 साल का जो होता है डिप्लोमा टाइप का वो कंप्लीट किया होता है तो पूछते जॉब लगेगी कि नहीं। तो अगर आपका जो डिग्री है ना अगर आपकी वो ग्रेजुएशन के बराबर है तो आपको ज़रूर जॉब मिलेगी। अगर नहीं है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको फिर यहाँ पे वो जो 2 ईयर का कोर्स होता है वो कंप्लीट करना पड़ेगा या फिर आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। और अब दूसरा तरीका होता है जॉब अप्लाई करने का, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं जिसे बोलते हैं हेलो वर्क, तो आप वहाँ से भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी सिटी में रहते हैं ना तो वो आपके नियर बाय होता है, जैपनीजों के लिए अलग होता है, फॉरेनर के लिए अलग होता है, वो आपको देख के जाना पड़ेगा। तो आप हेलो वर्क से भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको रिज्यूम वगैरह वहाँ पे सारी गाइडेंस मिल जाती है कि रिज्यूम कैसे बनाना है, वो सब कुछ वहाँ पे बताया जाता है और काफ़ी हेल्पफुल लोग होते हैं। A to Z सारी चीज़ें आपको वहाँ पे गाइड की जाती हैं। तो आप वहाँ से भी जॉब सर्च कर सकते हैं। आपको वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है फर्स्ट टाइम जाके, और वहाँ पे जो भी आपकी मतलब की फील्ड है, आप जिस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं आप उनको बोलिए, वो आपके बिहाफ पे जॉब सर्च करेंगे और आपके बिहाफ पे कंपनी को अप्रोच करेंगे, आपका रिज्यूम कंपनी को भेजते हैं और जैसे वहाँ से कोई रिप्लाई आता है तो आपको वो बुलाते हैं। और वहाँ एक बार अगर आप चले जाते हैं, एक बार जाने की ज़रूरत पड़ती है, अगर एक बार वहाँ पे जाते हैं फिर उसके बाद आपको एक नंबर मिल जाता है वहाँ से, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, वो आप फिर वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, खुद आप कंडीशन बाई आप खुद जॉब सर्च कर सकते हैं और खुद अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से हो या लैपटॉप से है कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब। पर वहाँ पे ना हर कंपनी N2 के ऊपर लेवल वाले बंदे मांगते हैं, कोई कंपनी होगी जो N3 मांगती है, नहीं तो सभी लोग N2 मांगते हैं। तो इसके लिए मैं आपकी छोटी सी हेल्प कर देता हूँ। अगर आपको जापानीज लिखनी पढ़नी बोलनी आती है ना, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रिज्यूम में N2 लेवल की लैंग्वेज लिख सकते हैं और आपको फिर जॉब सर्च करने को मिलेगी, आपको वहाँ से रिप्लाई भी आएगा। बट अगर आप लिखते कि मैं N4 लेवल N4 पास हूँ, मेरे पास N4 का सर्टिफिकेट है, फिर तो भूल जाओ कि आपको कहीं से रिप्लाई आएगा। तो जो सबसे अच्छा तरीका है ना, जैसे कि आप यहाँ पे जब जैपनीज लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो जो अगर आपका स्कूल है ना अगर वो अच्छा है, अगर वो जॉब प्लेसमेंट करवाते हैं तो बहुत अच्छा है। और आप जब भी यहाँ पे एडमिशन ले किसी भी स्कूल में
या किसी, अगर आप अपने आप लेते हैं तो ज़्यादा क्वेरी आपको सॉल्व करने को मिलती है। अगर किसी एजेंट के थ्रू यहाँ पे आते हैं तो भी आप एजेंट से आप अपने पूछिए, या आप स्कूल की मेल आईडी लीजिए या वेबसाइट लीजिए, वहाँ पे हर बंदा सिर्फ इसी काम के लिए बैठाया जाता है कि उनकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए, जो भी क्वेरी पूछता है। तो आप उनसे पूछिए कि आपकी जॉब प्लेसमेंट कैसी है, आप अपने बारे में बताइए कि मैं ग्रेजुएट हूँ और मुझे लैंग्वेज स्कूल ख़त्म होने के बाद मुझे जॉब चाहिए, तो आपका जॉब प्लेसमेंट का क्या क्राइटेरिया है और आप करवाते हैं कि नहीं, तो आप ये पूछिए। अगर करवाता है तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप ऐसे स्कूल सर्च कर लेते हैं ना, अगर आपका स्कूल आपको जॉब दिलाता है तो सबसे अच्छी बात है। और अगर आपको जैपनीज लैंग्वेज ख़त्म हो गई है, अगर आपको ग्रेजुएशन नहीं कम्प्लीट है, तो फिर आप जब सेनमन गाको में जाते हैं या दाई गाको में जाते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो वहाँ पर 95% चांस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह आती है, बट सेनमन की गारंटी नहीं होती है। तो आप उसके बाद जो सेनमन गाको होता है वोकेशनल कॉलेज, तो आप उसमें जब एडमिशन लेते हो तो तब भी आप यही क्वेरी कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी जॉब प्लेसमेंट की क्राइटेरिया क्या है, आपका क्या परसेंटेज है जॉब प्लेसमेंट का, तो आप उनसे पूछिए। तो अगर आपका कॉलेज जॉब प्लेसमेंट करवाता होगा ना, तो आपको सेनमन से मिल जाएगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है और मुझे लगता है कि आपको ये फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। ये अब ये जो चौथा तरीका है, तो इसमें यार दो तरीके से जॉब सर्च की जा सकती है। मैं बात कर रहा हूँ कंसल्टेंसी के, और ये दुनिया में हर जगह ऐसे यही होता है और ऐसे ही जॉब मिलती है कंसल्टेंसी के थ्रू। तो एक जो कंसल्टेंसी होती है वो पेड होती है, मतलब कि आपको पैसे कुछ पे करने पड़ते हैं, सर्विस चार्ज वगैरह हैं जो भी उनके, तो एक वो एक होती है अनपेड, जो कि आपको कोई पैसा नहीं देना होता उसमें। पर उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है, जहाँ पे आप पैसे नहीं देते, कि आपका जो रिज्यूम वगैरह है और आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है और कंपनी को देना पड़ता है, कंसल्टेंसी को, तो वो आपके बिहाफ पे कंपनी को सेंड करती है रिज्यूम, और जब वहाँ से आपका सॉर्ट आउट होता है रिज्यूम, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो उसमें थोड़ी सी स्टेप ज़्यादा होते हैं और टाइम लगता है, पर उसमें आपको सब कुछ अपने आप करना होता है। अब जो अनपेड होती है, तो उनका बेनिफिट उनके कोई कंसल्टेंसी के थ्रू जो भी कोई बंदा सिलेक्शन होता है जिसका, वो कंपनी को चार्ज करते हैं। तो वहाँ पे मतलब हमें कोई पैसा नहीं देना होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी हमारी हो जाती है, सब कुछ हमें करना पड़ता है। वो सिर्फ कंपनी को रिज्यूम सेंड करते हैं, फिर आपको जहाँ पे भी जिस जगह पे कंपनी होगी वो आपको खुद इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, आप कैसे जाते हो कैसे करना वो आपको खुद देखना पड़ेगा। और जो एक दूसरी पेड कंसल्टेंसी होती है, जो कि मैंने खुद अपनाया था, वो इसलिए कि मेरे पास यार बिल्कुल टाइम नहीं था। वैसे तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि यार मेहनत करो, बिना पैसे के लिए जॉब लो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो आप दूसरे को जब बताते हो, जब शेयर करते हो, वो उसकी कोई मतलब कि पैसे से मोल तोल नहीं किया जा सकता, और वो एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो पहले आप वो तरीके अपना लो, जब आप मान जाओ कि यार नहीं हो रहा है, आपको बहुत जल्दी है, यहाँ पे जो भी कंसल्टेंसी है यार जो पेड होती है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती है, बहुत हेल्प करती है, A to Z आपका हेल्प करेंगे। बहुत से कंपनियाँ जो कि रिज्यूम बना देती हैं, नहीं तो आपको खुद रिज्यूम बनवा सकते हैं, या कोई आपका यहाँ पे जापान में कोई रहता है पुराना यार दोस्त, तो उससे बनवा सकते हैं, या अगर आप आते हैं तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपका रिज्यूम बना दूंगा। कुछ कंसल्टेंसी होती है कि जो कि खुद रिज्यूम आपका थोड़ा सा जो अगर इंग्लिश वगैरह में है तो वो कन्वर्ट कर देते हैं और अपने तरीके से बना लेते हैं, जिस कंपनी में आपको भेजते हैं इंटरव्यू के लिए वो उसी के अकॉर्डिंग आपका रिज्यूम बना देते हैं। वहाँ से फिर ये आपका सब कुछ आपको इंटरव्यू के लिए भी लेके जाते हैं, जिस कंपनी में इंटरव्यू होगा ये इंटरव्यू के लिए आपको कंपनी में खुद लेके जाते हैं और लेके आते हैं, और जब आप पास होते हो, जब आपका सिलेक्शन होता है, तो उसके आगे की जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सारी प्रोसेस में आपके साथ होते हैं। मान लीजिए आपको रूम सर्च करना है, तब भी आपके साथ हो जाएंगे, रूम वगैरह ढूंढेंगे, और भी काफ़ी प्रोसेस होती हैं, जो कि अगर आपके पास अकाउंट्स वगैरह नहीं है, अकाउंट वो आप वो ओपन करवा देते हैं किसी भी हो, मतलब वो तो नॉर्मल सी बात है, वो आप खुद कर सकते हो, बट ये मान लो कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, वो A to Z सारा आपको वो गाइड करते हैं, आपकी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बस उनको कुछ पैसे देने होते हैं। कोई तो यार ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कि 6 लाख मांगते हैं, कोई 7 लाख मांगता है, बट ऐसी जगह पे मत जाना, क्योंकि ये जो 6 लाख 7 लाख मांगते हैं ना, तो ये लोग आपको इतनी गंदी सी जॉब दिला देते हैं। बट इसमें थोड़ी सी आपकी क्या हेल्प हो जाती है कि आपको इंटरव्यू वगैरह नहीं देनी पड़ती है,
तो वो अगर आप कोई ऐसा जॉब कर सकता है तो जाके कर लो, पर वो खच्चर वाली जॉब होती है, वो नालियों से बोतलें उठानी पड़ सकती हैं आपको। और जहाँ पे खुद आप इंटरव्यू देते हो, जब जाते हो तो आपको कंपनी के बारे में पता लग जाता है, और जब पास वहाँ से आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सारा काम इंटरव्यू में बता दिया जाता है। तो वो मुझे लगता है कि अच्छा तरीका है। आपको अगर जब जॉब नहीं मिलती ऐसे तो आप ये पेड कंसल्टेंसी के थ्रू भी आप जॉब को सर्च कर सकते हैं। हाँ, तो अब जो ये तरीका है ना, इसको मैंने खुद अप्लाई किया है और मैंने उसी तरीके से जॉब सर्च करी है। बट इसमें क्या है कि मैंने जो कुछ पेड वाली कंसल्टेंसी होती हैं उसका भी मैंने भी उसी से जॉब सर्च किया, लेकिन मैंने कोई पैसा वगैरह पे नहीं किया कंसल्टेंसी का, क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ ना जहाँ पे कुछ सर्विस चार्ज वगैरह होता है या पैसे देने होते हैं, तो मैं कोई ना कोई ऐसा दिमाग लगाता हूँ, कोई ना कोई ऐसा लिंक निकालता हूँ कि मुझे थोड़ी सी मतलब कम से कम अमाउंट पे करना पड़े, तो मैंने ऐसे किया था। अगर आपके भी दिमाग है, अगर आपका कोई लिंक है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एडवोकेट हायर किया था, उसके लिए मैंने थोड़ी सी अमाउंट दिया था और मैंने कोई ज़्यादा पैसे दिया नहीं। अगर आप जापान में रहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उस कंसल्टेंसी से मिला दूंगा या आपको नंबर दे दूंगा, आप खुद बात कर लेना। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में यहीं तक। अगर यार वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आपका कोई दोस्त जापान आना चाहता है, उसके जापान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरी वीडियो को उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और जो भी नया है चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर और जय हिंद।